अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद। आज हम बोन नेक शर्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए ये लिनन का कपड़ा है 3.5 मीटर, और हमें कुछ पर्स चाहिए 3 साइज की, और शीनिल का ब्लैक कलर में कपड़ा चाहिए बोट नेक बनाने के लिए। सबसे पहले हमने आपको जिस कमीज़ की मेजरमेंट करनी हो तो उसको ऐसे फोल्ड करके और कपड़े के ऊपर रख के लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे। हमारे कमीज की लेंथ है 37 इंच, और वेद में हमें कपड़ा चाहिए 18 इंच। इसको डबल करेंगे तो 36 इंच बनेगा। अब हमने कमीज की कटिंग कर ली है। हारमोर से लेके दामन तक हमने तिरछी कटिंग की है, जहाँ तक हमारा निशान आप देख रहे हैं तिरछी कटिंग की है। अब हम दामन की कटिंग करेंगे। बम शर्ट की दामन को ऐसे खोल के दोनों तरफ से, और लेफ्ट साइड हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शर्ट की हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम बोन नेक बनाएंगे। इसके लिए हम चौड़ाई में 4 इंच लेंगे बुकरम, और लेंथ में हमें 5 इंच लेंगे। अब हम ऐसे हल्की सी गोलाई देंगे। अब हमने बुकरम की पट्टी बोन नेक बना के लगा दी है शीनिल वाले कपड़े पे। अब हम इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको हम ऐसे अंदर फोल्ड करके सिलाई करेंगे। हमने सिलाई कर दी है शीनिल वाले कपड़े पे। अब हम ये शर्ट की उल्टी साइड रखेंगे और सीधी साइड पलटेंगे। अब हम इस पट्टी को इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट कर, और हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हम सीधी साइड पलटेंगे और हम सिलाई करेंगे। हमने इसके पट्टी के ऊपर सिलाई करके अब हम ऐसे फोल्ड करके शोल्डर को बैक साइड वाला गला काटेंगे। हमें निशान लगा दिया है, सिर्फ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। जब सिलाई होगी तो वो 1 इंच बन जाएगा। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है तिरछी, सीधी नहीं तिरछी काटेंगे पिछले गले के लिए। ऐसे रखेंगे। अब हम पट्टी लगा के इसको फोल्ड करेंगे, एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको बैक साइड वाला बड़ा गला पसंद है तो आप वो भी कर सकती है। हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। हारमोल से लेकर दामन तक हम लंबाई में सिलाई करते जाएंगे। अब हम दामन के हिसाब से फोल्डिंग का कपड़ा काटेंगे। हमें फोल्डिंग के लिए तिरछा कपड़ा चाहिए। अब हम फोल्डिंग करेंगे दामन की। फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा लिया था फोल्डिंग लगाएंगे। शर्ट की ये सीधी साइड है, सीधी साइड लगाएंगे और पीछे लगा के सिलाई करेंगे। हमने कमीज की फोल्डिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स की फोल्डिंग करेंगे। 2 इंच के फासले पे फोल्डिंग करेंगे, और ये हारमोल की हमने कटाई कर दी है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई करेंगे। हमने हल्का
हल्का सा अम्ब्रेला टच दिया है लीव्स को। हमने दामन की फोल्डिंग लगा दी है, अब हम स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाने के लिए हम कमीज को उल्टा करेंगे। हम अब स्लीव लगाएंगे कमीज को उल्टा करके और स्लीव को सीधा करेंगे और हम फिटिंग से सिलाई शुरू करेंगे आर्मोल की। ऐसे टर्न करके कमीज वाले कपड़े को और स्लीव वाले कपड़े को, एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है मार्जिन वाला, अब हम सिलाई करेंगे। अब हम पल्स लगाएंगे सेंटर में, पहले बड़ा वाला लगाएंगे, फिर हम 6 दरमियानी साइज के लेंगे। और हम ऐसे टर्न करके जो बड़ा वाला पर्ल है उसके आसपास ऐसे टर्न करके फिर हम टाके लगाएंगे। अब हम 1 इंच के फासले पे दूसरा बड़ा वाला पर्ल लगाएंगे। ऐसे हम पूरे नेक की पट्टी के ऊपर हम ये सारे पर्ल्स लगाएंगे फूल की शेप में। फाइनली हमारी शर्ट रेडी हो गई है। हमने नेक पे, स्लीव्स पे और दामन पे इस तरह से लगा दिए हैं पर्ल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।